गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर 28 अक्टूबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। 29 अक्टूबर को बिहार के सिवान में करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत पीएम स्वनिधि लाभार्थी को किया गया ऋण वितरण। यूपी के 3 जिलों के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने किया संवाद। कहा, गरीबों के साथ खड़ी है केंद्र की सरकार। योजना के लाभार्थियों को दी शुभकामनाएं। घर के बाहर टहल रहे युवक को बाइक सवार दो बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर पिस्टल छोड़ भागे बदमाश। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। हमलावरों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। कैंट थाना क्षेत्र के सिंगनिया बाजार के पास इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने गली में एक विदेश भेजने वाली कंपनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लूट। तफ्तीश में जुटी पुलिस। महाराजगंज जिले के निचलौल में मंडल आयुक्त के संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। स्कूली छात्रों को कोविड संक्रमण के प्रति किया जागरूक। कहा, न बरते लापरवाही, अभी कोरोना का जंग है जारी। बच्चा बैंड के मालिक व रेल कर्मी प्रेम शंकर के सिर पर रॉड से हमला कर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मृतक के मां समेत दो भाइयों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने दी जानकारी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक कुणाल सलको ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाले नियुक्तियों की समीक्षा, दी आवश्यक दिशा निर्देश। कर्मचारी भविष्य निधि पीएफ के रीजनल कमिश्नर ने विद्युत विभाग के कार्यरत संविदा कर्मी की मौत के बाद उसकी पत्नी को पीएफ बीमा सहित पेंशन के ऑनलाइन चेक का सौंपा प्रमाण पत्र। कहा, कर्मचारियों के साथ है विभाग। दगहा थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में सोमवार की देर रात एक मनबर ने तमंचे से की फायरिंग। एक युवती के हाथ में लगी गोली, हुई घायल। एसपी साउथ ने कहा, मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश है जारी, जल्द की जाएगी गिरफ्तारी। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने तथा कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने 4 इकाइयों का पुरस्कार के लिए किया चयन। किया जाएगा पुरस्कृत। एसपी सिटी की अध्यक्षता में नगर क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ महिलाओं से संबंधित अपराध, पॉस्को एक्ट, एससी एसटी एक्ट सहित विभिन्न अपराधों की गई समीक्षा बैठक। लंबित पड़ी योजनाओं के निस्तारण और कार्रवाई के लिए दिए निर्देश। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 83 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,761। एक्टिव मरीज हुए 965। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई शादी अनुदान की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। और शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का मंगलवार को भी राप्ती नदी के किनारे बने कृत्रिम पोखरे में किया गया विसर्जन। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल रही तैनात।